बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जी, मैं आपको साथ में अभी शायद उसकी एक आध जी पिक्चर दिखा रहा हूँ। मैं वीडियो क्लिप साथ में आपको चलाकर दिखा देता हूँ, मैं सुन भी लीजिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल होती है दुबई की। अच्छा, होता क्या है कि ये बंदा, मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ, ये शोरूम में आता है गाड़ियों के। अच्छा, जैसे कि मैं, मेरा ख्याल है कि 3-4 वीडियो लगा चुका हूँ एक शोरूम की। शोरूम से मुराद ये है कि रियाज में, सऊदी अरब के रियाज में एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि सऊदी का काम है, वो देखते हैं जी, और मुझे मुख्तलिफ गाड़ियों की वीडियो सेंड करते थे और मुझे बोलते थे कि ये भाई, इनकी इंस्टॉलमेंट ये है, इतना आपको एडवांस देना पड़ेगा, इतनी इसकी इंस्टॉलमेंट होगी, इतने महीनों की होगी, गाड़ी ये है, मॉडल ये है, तो भाई लेनी हो तो रब्ता कर ले। अच्छा, मैं वो वीडियो लगाता था, मिसाल के तौर पर मैं उनको प्रमोशन करता था, लेकिन वो फ्री था काम, मैंने उनसे कोई किसी किस्म का ना कोई वाहिदा ना कोई पेड़ थी मेरी। अच्छा, फ्री में मैं उनकी पब्लिसिटी कर देता था, मैं पाकिस्तानी भाई है यार, कोई मसला नहीं। अच्छा, बात ये है कि मैं तो करता था फ्री। अच्छा, इस बंदे ने भी ऐसे ही किया है जैसे कि मैं करता था, लेकिन इसने कुछ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ किया है, हाई लेवल के ऊपर जाकर किया है। अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं, जो इंटरेस्टिंग चीज मैं तमाम परदेसी भाइयों को, चाहे कोई सऊदीया में है, चाहे कोई दुबई में, मस्कत, ओमान, कुवैत वगैरह, गल्फ कंट्रीज कहीं भी बैठे हुए आप, सबके लिए ये भाई लॉ है, सबके लिए ये कानून है जो इसके ऊपर लागू हुए हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या, ये आपको साथ में मैं वीडियो दिखा रखा हुआ, हुआ कुछ यूं कि ये बंदा शोरूम में इंटर होता है और वो आके सबसे पहले तो उसको एक लेडी वर्कर मिलती है, उसको बोलती है यानी कि मिसाल के तौर पर कि जैसे कि अरबी, आपको पता है कि वो हमारे तो यहाँ पर बुरा महसूस किया जाता है, इधर आओ, ऐसे बुरा महसूस किया जाता है, लेकिन अरबी में आपको पता है कि वो ऐसे बुला लेते हैं, खासकर परदेशियों को, गैर मुल्कियों को। अच्छा, वर्कर को बुलाया, एक लड़की को गड्डी पकड़ाई, आपने देखा होगा, आगे एक और मिला, उसको पकड़ा दिए, उस स्कूटर पर खड़ा हुआ है, उसकी तरफ फेंक दी। उतनी देर में शोरूम का जो मालिक है वो बाहर निकल के आता है, वो बोलता है आपको सर कौन सी गाड़ी चाहिए, बोलता है मुझे कुछ गाड़ी दिखा, वो बोलता है जी कितने की आपका, यानी कि आपका माइंड कितने तक का है, बोलता है मसलन ये कितने की, बोलता है 2.2 मिलियन की, यानी कि 22 लाख दरहम की, तो वो बोलता है ये एक्सपेंसिव नहीं है ये, यानी कि मैं इसको पसंद नहीं करता, मेरा ड्राइवर चलाता है इसके, को और दिखाओ, वो और बताने से बैठ जाता है। उतनी देर में उसके हाथ में गड्डी पकड़ाता है, उसको बोलता है कि रेडबुल भी एक लाओ, वो बोलता है रेडबुल आपको फ्री मिल जाएगी, वो बोलता है नहीं पैसे रखो और लेकर, साथ में दो गार्ड हैं, इसके पैसे उठाए हुए हैं बकायदा, उसने डॉलरों की, भाई दरहम की गड्डियां उठाई हुई हैं उन्होंने, और ये बोलता है जी मुझे वो फला फला गाड़ी चाहिए। इतनी इनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और सोशल मीडिया के ऊपर भाई तहलका मच जाता है कि ये भाई कौन सा सऊदी है, जो कौन सा शेख है ये दुबई का, जिसके पास इतना पैसा आ गया और 3-4 गाड़ियां एकदम से बुक करवाती है। और टिप के तौर पर मैं बोलूंगा लोगों में, भाई आप बोल रहे हैं कि लाखों दरहम तकसीम कर रहा है। अच्छा, ये चीज तो हो गई। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, वो ये कि सऊदी अरेबिया में बहुत से गैर मुल्की इस चीज के ऊपर गिरफ्तार होते हैं। किस चीज के ऊपर? कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर रियाल ऐसे हलाने हैं, दिखाने हैं, वो शरीको, वो सड़ो, देखो मैं कितने को मार रहा हूं। ये अगर कोई बंदा, आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियो पड़ी हुई है पुरानी, कोई बंदा ऐसी हरकत करता है सऊदी अरेबिया में तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि भाई गल्फ कंट्रीज के ये लॉ है कि आप पब्लिसिटी कोई भी किसी किस्म की ऐसी नुमाइश नहीं कर सकते हैं जिसमें आप दरहम की, रियाल की, डॉलरों की बेतहाशा उनको दिखा रहे हैं और लुटा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, कोई भाई शेख हो अमीर तो वो एक अलग से मामला होगा, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए ये काफी मुश्किल रहेगा। जब इसकी खोज की गई तो ये भाई जब जो तोप डाले हुए और ऊपर गोतरा रखे हुए बंदा था और मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ है और ग्लासेस लगाए हुए हैं, ये एशियाई बशिंदा निकला है। अभी ये पाकिस्तान का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, बांग्लादेश का हो सकता है, इसके मुताबिक कन्फर्म नहीं है, लेकिन भाई अरबी तो फर फर बोल रहा था बहरहाल। अच्छा, ये एशियाई बशिंदा निकला है, इसको फिर उन लोगों ने बोला इसको पकड़ो, इसको पकड़ा, इसको जेल में डाला है। ये बोलता है मैं तो सिर्फ उसके शोरूम के कहने के ऊपर वीडियो बना रहा था, यानी कि जो शोरूम का मालिक है उसने मुझे बोला था कि भाई आप ऐसे वीडियो बनाओ, और ये मुख्तलिफ वीडियोस बनाता है सोशल मीडिया के ऊपर, लगाता भी है अपने शोरूम की पब्लिसिटी के लिए, तो आप ऐसी एक वीडियो बनाओ, तो वो आया है वैसे ही, उसने दो गार्ड वगैरह सारा खर्चा वगैरह तो शोरूम के मालिक ने किया था, लेकिन भाई वो ऐसे घूमा है सबको, उसने ऐसे पकड़ाया ये वो और ये ले आओ वो ले आओ ये गाड़ी बुक कर दो, तो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियो वायरल हुई। लेकिन पब्लिसिटी करने के लिए भाई ये पाकिस्तान या इंडिया नहीं है, ये गल्फ कंट्रीज है, तो इनमें भाई बहुत कुछ देखना पड़ता है, वहां के लॉ देखने पड़ते हैं, खासकर जो गैर मुल्की हैं उनके ऊपर तो फिर काफी सख्ती भी।